हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास सेवन्थ की ग्रामर के बारे में। ग्रामर यानी कि उसके संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैनल अपना। और जो भी बच्चा इस चैनल पर नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कड़ी को। बच्चों, हिंदी की व्याकरण में शब्द के द्वारा व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान के नाम का बोध हो वह संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति वस्तु स्थान नाम के बोध हो तो वह संज्ञा कहलाती है। तीन भेदों में भिन्न होते हैं, इस प्रकार भेद है संज्ञा के भेद तीन भेदों में से भिन्न होते हैं, इस प्रकार इसका भेद है। व्यक्तिवाचक, चातकवाचक, भाववाचक, ग्रुपवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आगरा, रामचरित्र मानस, राम, गांधी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, सेना, अध्यापक, किसान, सागर, झरना आदि। अब बच्चों, आप ये देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का अगर बोध हो रहा हो, जैसे आगरा, रामचरितमानस, रामचरितमानस में किसका हमें बोध होता है? भगवान राम का। और राम, गांधी इत्यादि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जातिवाचक संज्ञा में देखें तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे नदी, सेना, अध्यापक, ये इनकी जातियों से संबंधित है, हम किसान, सागर, झरना आदि। भाववाचक संज्ञा में अगर देखें, किस भाव या गुण अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। सरल भाषा में मैं बोलूँ तो किसी भाव या गुण का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठास। मिठास से हमें मीठे का पता लगता है, उसके भाव का पता लगता है। थकान से हमें थकने का पता लगता है, यानी कि उसके भाव क्या है पीछे, थकना। तो कड़वापन, बुढ़ापा, गरीबी, सजावट। गरीबी से गरीब का पता लगता है, कड़वापन से कड़वे का, सजावट से सजीली चीज़ों का, शीतलता से ठंडे का। तो ये इनसे इनके भाव का पता लगता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजियों के प्रभाव या अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद स्वीकृत कर लिए गए हैं, ये हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक में अंग्रेजी के प्रभाव से द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को भी अपना लिया गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, चांदी, तेल, चावल। इससे हमें किसी ठोस पदार्थ यानी कि किसी द्रव्य मटेरियल का पता लगता है, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें, जिन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, सभा, सेना, भीड़, झुंड, गिरोह आदि। भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पन, त्व, त आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाते समय के शब्दों के अंत में प्राय क्या क्या यूज होता है? पन, तव, ता आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा विशेषण, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, सेवक, सेवा, लड़का, लड़कपन, नारी, नारित्व, शत्रु, शत्रुता, युवा, यौवन, वीर, वीरता, शिशु, शैशव, नारी, नारित्व, ये जाति की संज्ञा है। विशेषण इसका क्या है? मित्र का, मित्रता है। सर्वनाम से मनुष्य की मनुष्यता है। क्रिया से सुनना, सुनाई, सुनवाई, इस तरह से है। ये भी आप अपनी कॉपी में मेंशन करें और लिखें, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देखें। अब बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें, संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? व्यक्ति व स्थान के नाम को, प्राणीवाचक व अप्राणीवाचक को, विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को, किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव या गुण के नाम को, इनमें से क्या हो सकता है आप बताइए बच्चों। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या गुण के नाम को
हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? दो, तीन, चार, पांच। संज्ञा के पांच भेद हैं। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है तो वो हैं जातिवाचक, भाव द्रव्यवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। वो हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर है भाववाचक। संज्ञा के विकारक रूप क्या है? लिंग वचन कारक, लिंग वचन काल, लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन कर्म। तो बताइए बच्चों, बच्चों इसका सही उत्तर है लिंग वचन काल। मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द विला विकल्प कौन सा है? मीठा से क्या मतलब लगता है? मिठास का। तो ये क्या है? भाव का बता रही है। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर की, सुंदरी नहीं, सुंदर नहीं, सौंदर्य नहीं, सुंदरता। हंसना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? हंसी। चालक की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चालाकी, चालाकी, चालाकी। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज संज्ञा को भी समझा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।